दोस्तों बीसीसीआई ने बन बना लिया है, अब दो टीमें खेलेगी चाइना में टीम इंडिया की। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार कब होगा पहला मुकाबला, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले, अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं और चाहते हो कि टीम इंडिया आने वाला वर्ल्ड कप का खिताब जीते, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस साल में आने वाले महीनों में टीम इंडिया को कई बड़े टूर्नामेंट खेलने हैं। जहां सितंबर के महीने में टीम इंडिया को एशिया कप खेलना है, तो वहीं अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारतीय टीम को अपनी इस सरजमी पर ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन दोस्तों बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने भारतीय टीम को चाइना में खिलाने का मन बना लिया है। वहीं बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए बताया कि टीम इंडिया की मेंस टीम और वुमेन्स टीम दोनों ही टीम एशियन कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लेती नजर आएगी। जहां आपको ये भी बता दिया जाए कि इस बार एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन है जो 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक होगा। जहां बीसीसीआई ने ये भी बता दिया है कि भारतीय टीम की मेंस और वुमेन्स दोनों टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली है, और इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की मेंस टीम के लिए बी टीम खेलती नजर आएगी, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट खेलना है, जिसके लिए सभी सीनियर खिलाड़ी वर्ल्ड कप की तैयारियों में व्यस्त रहेंगे। इसके अलावा वुमेन्स टीम के सभी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। जहां इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम मेडल के लिए खेलती नजर आएगी। जहां इस टूर्नामेंट का आयोजन 2022 में होना था, लेकिन कुछ कारणवश अब इसका आयोजन सन 2023 में होगा, जो कि चाइना में खेला जाएगा। और सभी फैंस इसका काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कई युवा खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, तो कई युवा खिलाड़ी डेब्यू भी करते नजर आएंगे। आपको ये भी बता दें कि ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम गोल्ड मेडल ला पाएगी या नहीं, आप इसकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।